मायापुरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। दामाद ने बोले संस्कृत के श्लोक। प्रियंका की सगाई से उनकी मां मधु चोपड़ा काफी खुश है। प्रियंका की मां मधु चोपड़ा बताती हैं कि निक को पूजा के दौरान काफी मजा आ रहा था, वह बहुत गंभीरता से सभी रस्मों का पालन कर रहा था। पंडित जी जो भी कहते थे वह उसे दोहराता था। कई संस्कृत के मंत्रों का भी उसने सही उच्चारण किया। निक और परिजनों ने काफी गंभीरता से सभी रस्में निभाई। उन्होंने कहा कि जोनस अच्छे लोग हैं। सबसे खूबसूरत शहर में होगी प्रियंका की शादी। प्रियंका कहाँ शादी करने जा रही है, इस बात का खुलासा हो गया है। प्रियंका और निक ने हवाई में शादी करने का फैसला लिया है। प्रियंका और निक एक प्राइवेट अफेयर चाहते हैं जो मीडिया और भीड़भाड़ से दूर रहे। ये आइलैंड निक के लिए भी स्पेशल है। निक ने यहाँ अपनी फिल्म 50 और जुमानजी की शूटिंग की है। निक को समुन्दर बेहद पसंद है, इसलिए प्रियंका और निक की शादी के लिए हवाई एक परफेक्ट जगह है। प्रियंका अपनी माँ के अनुसार हिंदी रीति रिवाज के तहत शादी करेंगी। अगर सच में प्रियंका हवाई जैसे महंगे शहर में शादी करने का प्लान बना रही है तो ये बेहद रॉयल होगी। हो सकता है कि शादी अक्टूबर में हो, लेकिन अभी डेट फाइनल नहीं हुई है। विवादों में जेपी दत्ता की पल्टन। फिल्म पल्टन रिलीज से पहले ही विवादों में आ गई है। फिल्म के सिनेमाटोग्राफर निगम बोमजान ने दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है। निगम बोमजान का कहना था, मैंने इस फिल्म के 2 शेड्यूल की शूटिंग की थी। मैंने अपने बकाया पैसों के लिए कई बार उनकी बेटी निधि को कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उसने हर बार टालमटोल की। आखिरकार मुझे लीगल नोटिस भेजना पड़ा। शादी को लेकर बोले रणबीर कपूर। रणबीर कपूर का कहना है कि ये एक अफवाह है और ये शो बिजनेस का हिस्सा होता है। शादी जब होनी होती है समय के अनुसार हो जाएगी। रणबीर ने कहा कि शादी 2 लोगों के बीच होती है और दोनों को लगना चाहिए कि शादी का सही समय आ गया है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है। बकरीद पर सितारों ने दी बधाई। अमिताभ बच्चन ने ईद मुबारक लिखे हुए कई पोस्टर को शेयर कर बकरीद की बधाई दी। इसके अलावा अक्षय कुमार भी फैंस को बकरीद की शुभकामनाएं देते नजर आए। अक्षय के अलावा जॉन ने भी बकरीद त्योहार पर फैंस के लिए बधाई संदेश लिखा। दंगल गर्ल्स के साथ आमिर ने मनाई ईद। आमिर खान के साथ फिल्म दंगल में नजर आ चुकी एक्ट्रेस फातिमा, सना, शेख और सान्या मल्होत्रा ईद के मौके पर उनके साथ मस्ती करती दिखाई दी। इस दौरान आमिर खान की पत्नी किरण राव भी ईद सेलिब्रेशन में सबके साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं। हीना ने कहा ईद मुबारक। हीना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वह ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में हीना गोल्डन कलर का कुर्ता और ग्रीन कलर का शरारा पहने हुए बेहद ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं। हीना ने ईद पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस को ईद की बधाई भी दी है। उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए रोकी अपनी शादी। राजीव केरल के नूनूर जिले से हैं और बाढ़ से बेहद परेशान थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी शादी को भी टाल दिया। ये जानकारी खुद उनके को स्टार रिचा चड्डा ने दी है। रिचा ने इस पूरी घटना के बारे में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते लिखा, वह अपने को स्टार राजीव के इस जज्बे को सलाम करती हैं। राजीव 3 दिन पहले ही शादी करने वाले थे, लेकिन केरल के जर्जर हालत देख उन्होंने शादी टाल दी। बाढ़ पीड़ितों के लिए बदले गाने के बोल। AR रहमान ने अपने सुपरहिट गाने मुस्तफा मुस्तफा के जरिए केरल को याद करते नजर आए। स्टेज पर अपने परफॉर्मेंस देने के दौरान वह मुस्तफा मुस्तफा गाना गाते दिखे। इस दौरान बीच में ही उन्होंने गाने के बोल बदल दिए। मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी मुस्तफा की जगह AR रहमान ने बोल बदल कर मुस्तफा मुस्तफा डोंट वरी केरला कर दिया। मदद को आगे आए ऋषि और रणबीर कपूर। केरल के बिगड़े हालात को देखते हुए ऋषि कपूर के साथ बेटे रणबीर कपूर ने भी दान देते हुए केरल की मदद की है। इस बात की जानकारी ऋषि कपूर ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा, एक अपील, केरल पीड़ितों को दान करके मदद करें। आज वह काफी परेशानी में हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। रणबीर और मैंने तो दान कर दिया है और ये अब आप पर निर्भर है। सिंगर बना नेहा कक्कड़ का भाई। सिंगर नेहा कक्कड़ ने गायक संगीतकार विशाल ददलानी को राखी बांधकर उन्हें भाई बना लिया है। रियलिटी शो इंडियन आइडल 10 के स्पेशल रक्षाबंधन एपिसोड की शूटिंग के दौरान नेहा आरती की थाली और राखी के साथ नजर आईं। नेहा के हाथ में थाली देखकर विशाल ने उनसे कहा कि वह उनसे राखी बनवाना चाहते हैं। इससे नेहा खुश हुई और उन्होंने विशाल को राखी बांध दी। बेटे की मदद नहीं करेंगे सनी देओल। सनी ने करण के डेब्यू पर कहा, जब मैं बॉलीवुड में आया था तो मैं मानसिक रूप से इसके लिए तैयार था। मैं आश्वस्त हूँ कि वह भी अपने तरीके से उसी तरह से आएगा जिस तरह मैं आया था। बाकी उस पर है कि वह खुद को कैसे पेश करता है। एक पिता के तौर पर मैं हमेशा उसके साथ हूँ, लेकिन मैं उसके लिए चीजें चुन नहीं सकता। बोल्ड अवतार में निकी मिनाज।
रैपर सिंगर एक्ट्रेस और मॉडल निकी मिनाज एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड्स में कुछ इस अंदाज में पहुंची। निकी मिनाज ने इस मौके के लिए न्यूड कलर का बॉडी सूट चुना, उसके ऊपर वो लॉन्ग शेयर गाउन पहने दिखी। रेड कार्पेट पर वो अपने कर्व्स फ्लॉन्ट करती दिखी। यहाँ पर वो बहुत ही बोल्ड अवतार में पहुंची। डायन ने खिंचवाई बोल्ड तस्वीरें। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं। इन तस्वीरों में मोनालिसा ने पति विक्रांत सिंह राजपूत के साथ छुट्टियां एंजॉय कर रही हैं। मोनालिसा इन दिनों नजर में डायन का किरदार निभा रही हैं। इस सीरियल में मोनालिसा 200 साल की डायन बनी हुई हैं। आज सायरा बानो का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे सायरा जी। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली चुलबुली एक्ट्रेस सायरा बानो का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। आज दुनिया उन्हें बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन के रूप में याद करती है। वह बीते 52 सालों से इश्क की इबादत कर रही हैं और बॉलीवुड सुपरस्टार दिलीप कुमार के दिल पर हुकूमत भी। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी समय। देखते रहिए मायापुरी कट।